हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, सुबह के बज चुके हैं 5 और दोस्तों सातों दिन दोस्तों सुबह 5 बजे आप लोगों को एक वीडियो मिलता है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आज के होते हैं। उम्मीद करता हूं आप भविष्य की तरह दोस्तों शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी बच्चे देख सके और अपनी नॉलेज को डे बाय डे इंप्रूव कर सके। तो इसके अलावा इंडिया में दोस्तों अगर आप 30+ एग्जाम्स में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो दोस्तों यूपीएससी हो, चाहे फिर एसएससी हो, चाहे फिर बैंक हो, कोई रेलवे का एग्जाम हो, कोई गेट का एग्जाम हो, कोई पीसीएस का हो, कोई कैट का एग्जाम हो, इंडिया में कोई सा भी एग्जाम हो, रेफरल कोड आप BHU NESH भुवनेश्वर यूज कर सकते हैं। 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी मिल जाएगी। अभी मेरे दोस्तों एसएससी के अंदर कोर्स चल रहा है जिसमें 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक करवा रहा हूँ दोस्तों। मजा आ जाएगा पढ़ के, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। साथ में यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस की भी सारी क्लासेस मिल जाएगी। उसी प्रकार से बैंकिंग की बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क मींस की भी सारी क्लासेस, और रेलवे में दोस्तों मेरा 500 टॉप जीके का कोर्स चल रहा है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको दोस्तों एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, एसएससी 2020-2021, तो एसएससी हीरोज के साथ में आप तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे रेफरल कोड आपको वाईफाई एसएससी है जो कि यूज करना है, जहाँ पे जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था दहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा था। ये दहिंग दोस्तों कहां पर है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे दोस्तों अभी क्या हुआ था कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है ना, उसने रिकमेंड किया था कि कोल माइनिंग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और ये कहां पर है दोस्तों, आसाम के अंदर है। कोल माइनिंग अलाउ करने के बाद दोस्तों ये क्या हो गया था, मुद्दे के अंदर आ गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों रिकमेंड किया था कोल माइनिंग, दहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है आसाम के अंदर, वहां पे अलाउ कर दिया गया था। क्लियरेंस जो है वो दोस्तों अपने एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा दोस्तों यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसाम के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेगी। इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लोखावा इंपॉर्टेंट है, औरंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मानस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तो डिब्रू है ना। तो ये सारे के सारे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेजरली दोस्तों ब्रह्मपुत्र के आसपास है पूरी की पूरी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आसाम की बात करें, 1950 में राज्य बना, दिसपुर कैपिटल, 33 राज्य है, जगदीश मुखी गवर्नर है, सोनेवाल साहब यहाँ पे सीएम है, 126 यहाँ पे विधानसभा, 14 लोकसभा और 7 राज्यसभा की सीटें हैं, और अपने नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है ये दोस्तों। राइनो यहाँ पे दोस्तों स्टेट एनिमल है, बर्ड यहाँ पे डक, फ्लावर है ऑर्किड, और होलोंग नाम का यहाँ पे स्टेट ट्री है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नाबालिगों द्वारा दिए गए अपराधों के मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है, नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। आपको मालूम है दोस्तों अभी सऊदी अरेबिया ने दोस्तों काफी सारे बदलाव लेके आए हैं, और उसी में से एक ये वाला भी है। तो फ्लॉगिंग की क्या होती है दोस्तों, जो कोड़े मारने की सजा होती है ना, वो यहाँ पे समाप्त कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे उसी के तहत डेथ पेनल्टी भी दोस्तों दी जाती थी, अगर कोई माइनर जो है वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसको डेथ पेनल्टी भी यहाँ पे दी जाती थी। ओके, अभी यहाँ पे पूरी तरीके से क्या होगा, सजा जो है वो पूरी कोर्ट कचहरी के हिसाब से होगी, जेल होगी, कोड़े मारने वाली यहाँ पे सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, 10 साल तक की सजा के लिए यहाँ पे दोस्तों बोला गया है। आपको मालूम है कि सऊदी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, साथ में मालदीव हो गया, इन देशों के अंदर दोस्तों सीरिया लॉ जहाँ पे अपनाया जाता है ना, इस्लामिक लॉ, वहां पे इस तरीके से चीजें हमको देखने को मिलती है। यहाँ तक कि दोस्तों सिंगापुर की भी बात करो तो वहां पे भी आपको जो बैत से मारते हैं ना, कैनिंग बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पर भी सजा अपने को देखने को मिलती है। इसी प्रकार से दुनिया में बहुत ज्यादा रिग्रेस सजा है जो कि बहुत देशों में देखने को मिलती है। सऊदी की बात करें तो अभी यहाँ पे सलमान है जो कि क्राउन प्रिंस है, और किंग भी यही है, रियाद यहाँ पे कैपिटल है, रियाल यहाँ की करेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल COVID-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला दुनिया देश का पहला सरकारी अस्पताल है जो कि बन गया है, प्लाज्मा थ्योरी करवा रहा है दोस्तों ये सरकारी राज्य, सरकारी हॉस्पिटल, बड़ी बात है ना। प्लाज्मा थ्योरी का मतलब क्या है कि जो दोस्तों जिसको कोरोना हो चुका है ना, जिसको COVID-19 हो चुका है और जो सही हो चुका है, उसकी बॉडी के अंदर क्या एंटीबॉडी बनाए जाते हैं, बन जाती है, तो वो एंटीबॉडी जो है वो अभी किसके, जो पेशेंट होगा ना COVID-19 के, उसके चढ़ाया जाएगा ताकि उसकी बॉडी जल्दी रिकवर कर सके। और ऐसा कहाँ पे किया गया दोस्तों, ऐसा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ के अंदर, वहां पे दोस्तों ऐसा किया गया, और ये देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल है जो कि बन गया है, जहाँ पे प्लाज्मा थ्योरी का ट्रीटमेंट किया गया है। एक 58 साल के ओल्ड पेशेंट है, उनको दोस्तों ये पहला डोज है जो कि दिया गया है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि रिकवरी के चांसेस है जो कि काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश तक सभी सार्वजनिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
तो दोस्तों कब तक क्या प्रतिबंध लगा दिया गया है, दोस्तों ये लगाया गया है 30 जून तक। बहुत लंबा टाइम चला दिया गया है। अभी आपको मालूम है पूरे पूरे नियर बाय 2 महीने रह चुके हैं, 2 महीने बाकी है, तो पूरी तरीके से पब्लिक फंक्शन पे, और ऐसा करना भी जरूरी है क्योंकि पब्लिक फंक्शन तो किसी भी तरीके से 3-4 महीने तक भी नहीं होने चाहिए, गैदरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब तक एक केस भी किसी भी राज्य के अंदर है ना, पब्लिक गैदरिंग वहां पे करना बेवकूफी होगी, ठीक है। जो भी पब्लिक गैदरिंग करेगा उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे दोनों तरीके से, एक तो हेल्थ के वजह से भी क्योंकि उसको भी कोविड होने के चांसेस है, और साथ में आपको मालूम है सरकार भी इसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो दोनों तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कोई भी पब्लिक गैदरिंग में ना तो अपने घर वालों को अलाउ करेंगे ना आप लोग किसी भी पब्लिक गैदरिंग में जाएंगे, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट हो। अरे भाई आपकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है कोई भी पब्लिक गैदरिंग। चलिए 1950 के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य बना, लखनऊ कैपिटल, 75 डिस्ट्रिक्ट, आनंदीबेन पटेल गवर्नर अभी और योगी जी यहाँ पे सीएम है, 403 विधानसभा की सीटें एक्सक्लूड करके एंग्लो इंडियन को, 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा की सीटें हैं। 12 सिंह का एनिमल है, बर्ड यहाँ पे दोस्तों क्रेन है, पलाश यहाँ पे फ्लावर और अशोक का यहाँ पे ट्री हमको देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर बात करें तो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू करी है? तो धनवंतरी योजना की बात करें दोस्तों कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है, तो ये भी दोस्तों आसाम के द्वारा ही करी गई है। धनवंतरी के अंदर क्या है कि घर बैठे आपको क्या किया जाएगा, सारे के सारी दवाइयां जो है वो घर पे दी जाएगी, समझ रहे हो, मेडिसिन जो भी 200 रुपए से कम की है वो भी आपके घर पे फ्री में पहुंचाई जाएगी, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, इससे लोग जो है वो बाहर नहीं आएंगे और काफी मदद मिलेगी। आपको मालूम है धनवंतरी हमारे इतिहास के अंदर जो है वो जबरदस्त फिजिशियन के तौर पर जाने जाते थे। आसाम की बात करें 1950 के अंदर दोस्तों आसाम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया वैसे आसाम के बारे में, मुझे लगता नहीं है कि जो है आसाम के बारे में और वापस से पढ़ने की जरूरत है। निम्नलिखित में से किसे भारत के आर्थिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आर्थिक सचिव यानी कि इकोनॉमिक सेक्रेटरी की बात करें तो यहाँ पे तरुण बजाज जी को दोस्तों बना दिया गया है। अभी आपको मालूम है शफलिंग करी गई है ना, कई सारे IAS जो है वो इधर उधर करे गए हैं, ठीक है, और प्रेजेंट ये सेक्रेटरी थे PMO ऑफिस के अंदर, और अभी इनको क्या बना दिया गया है, सेक्रेटरी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स का बना दिया गया है तरुण बजाज जी को। हाल ही में बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया COVID-19 की वजह से, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो जो ये बदरुद्दीन शेख साहब थे ये दोस्तों कांग्रेस के लीडर थे, कहां पे, गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिटिशियन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी ये रह चुके हैं काउंसिलर यहाँ पे, और COVID-19 की वजह से इनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। हाल ही में रोनी रॉय जी का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो यहाँ पे रोनी रॉय जी का भी दोस्तों अभी रिसेंटली निधन हो गया है। ये कौन थे, एक बहुत ही फेमस फोटो जर्नलिस्ट थे, COVID-19 की वजह से नहीं हुआ है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े इवेंट है दोस्तों जो कि ये कवर किया करते थे, ठीक है, और काफी फेमस रहे। वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप इंग्लैंड में भी कवर किया इन्होंने, काफी फेमस रहे दोस्तों, है ना। निम्नलिखित में से कौन सह ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए RBI नोट प्राप्त करने वाली पहली गैर बैंक कंपनी है जो कि बन गई है, फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी दोस्तों जिसको RBI नोट मिल गया है, को ब्रांडेड एग्रीमेंट करने को लेकर, अरेंजमेंट करने को लेकर, एग्रीमेंट तो क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट, तो ये करने वाला दोस्तों ट्रांसकॉप नाम की कंपनी है जो की पहली बन चुकी है। ट्रांसकॉप इंटरनेशनल लिमिटेड को RBI नोट मिल गई है कि वो को ब्रांडेड अरेंजमेंट कर सकती है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को लेकर, 35 लाख रुपए तक का स्टोर ऑनलाइन गेटवे को लेकर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तरीके से दोस्तों ये क्या है, लोन है ना, बाकी कंपनी के साथ में मिलके लोन है जो कि अवेलेबल करवाएगी, ठीक है गाइस। चलिए निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया है, फर्स्ट डिजिटल जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये किसके द्वारा, मेरे ख्याल से जापान के द्वारा किया गया है, एक बार हम इसे देखते हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला डिजिटल यूनिफाइड ग्लोबल जियोलॉजिकल मैप है जो कि मून का रिलीज किया गया है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, USA आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये मून है पूरा, तो उसका जियोलॉजिकल मैप बनाया गया ताकि क्या हो सके, भविष्य में ह्यूमन मिशन को मदद मिल सके रिसर्च के अंदर, एनालिसिस के अंदर, ठीक है, तो हर चीज यहाँ पे दिखाई गई है ना, बहुत छोटे छोटे के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो स्केल देखिए आप कितना जबरदस्त हाई डेफिनेशन स्केल पे दोस्तों इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये मून है दोस्तों पूरा का पूरा, ये वो साइट है दोस्तों जहां पे पहली बार अपोलो 11 की लैंडिंग हुई थी, देख सकते हो आप ये चांद की साइट है अंदर से दोस्तों, ये भी अर्थ के जैसे ही है
लिथोस्फेयर हो गया अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ क्रस्ट हो गया, फिर सॉलिड है दोस्तों आयरन कोर मिलेगा, है ना, आउटर कोर मिलेगा। ठीक है, आपको मालूम है ग्रेविटी दोस्तों 0.17 है अपने अर्थ की। अगर आप अर्थ पे 10 फीट की तरफ छलांग मार रहे हो तो यहाँ पे आप नियर बाय 58 फीट है जो कि छलांग मारोगे। ठीक है गाइस, और पहली बार सी ऑफ ट्रिंक्वालिटी जो है इस एरिया को कहा जाता है। इस एरिया को क्या बोलते हैं जहां पे लैंडिंग करी गई थी? सी ऑफ ट्रिंक्वालिटी है जो कि हम इसको कहते हैं, जहां पे लैंडिंग कराई गई थी, है ना। ठीक है, वॉल्केनिक फीचर भी आपको पिछली साइड पे देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि मून घूमता नहीं है, मून भी घूमता है अर्थ भी घूमती है, लेकिन दोनों का रोटेशन पीरियड इतना सिमिलर है इसकी वजह से हमें ऐसा दिखता नहीं है कि मून घूम रहा है, जबकि मून भी दोस्तों जो है वो घूमता है। समझ रहे हो? आप यहाँ पे देख सकते हो सरफेस टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस से +127 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा एयर प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और 1971 की फोटो है दोस्तों, एस्ट्रोनॉट गए थे यहाँ पे अपोलो 15 मिशन के टाइम पे, और आप देख सकते हो नियर बाय 1/4 डायमीटर है जो कि आपको मून का हमारे अर्थ के देखने को मिलेगा। ये सब जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। जब अर्थ के बीच में दोस्तों यहाँ पे मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, क्योंकि हमें ये वाला एरिया जो है वो सूर्य का दिखता नहीं है, तो सूर्य के ऊपर क्या लग गया है? ग्रहण लग गया है। समझ रहे हो? ये कौन सा है? सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स है जो कि हम इसको कहते हैं। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, ग्रहण का मतलब जब आपको दिखता नहीं है। तो ये वाली साइड पे मून आ गया बीच में, तो ये वाला आपको दिखेगा कि चांद, ये वाला सूर्य दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से जब दोस्तों क्या होता है, ये चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण के अंदर क्या होता है, लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि दोस्तों हमारी जो शेडो है ना उसकी वजह से इसके ऊपर लाइट नहीं आती है और ये हमें नजर नहीं आता, तो हम इसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। इस तरीके से दो ये फिनोमेना होता है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थ सर्च इंजन वीलोकन विकसित किया है? वीलोकन किसके द्वारा विकसित किया गया है भाई? ये मेरे ख्याल से आईआईटी दिल्ली के द्वारा दोस्तों, आईआईटीएम केरला के द्वारा किया गया है। सी आपका सही आंसर होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का जो केरला इंस्टीट्यूट है, उन्होंने आर्टिफिशियल सेमेंटिक सर्च इंजन है जो कि डेवलप किया है दोस्तों। ठीक है गाइस, ये आपको बताना है। ठीक है, vilokana.in, www.vilokana.in। ओके, राइट इंफॉर्मेशन है जो कि इसके अंदर आपको जल्दी मिल जाएगी। हाल ही में माथियास बोय ने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? माथियास बोय की बात करें तो ये दोस्तों बैडमिंटन के दोस्तों बड़े प्लेयर थे। आप देख सकते हैं डेनमार्क के प्लेयर थे, सिल्वर मेडलिस्ट है 2012 के लंदन ओलंपिक्स और 13 के वर्ल्ड चैंपियन रहे। तो इन्होंने अभी रिटायरमेंट का अनाउंस है जो कि कर दिया है। डाचिगम नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना है दोस्तों कि ये कहाँ पर है। अभी आपको मालूम है डाचिगम नेशनल पार्क के आसपास एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है बिकॉज ऑफ द COVID-19, और ये कहाँ पर है? ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आसपास का एरिया यहाँ पे मना कर बंद कर दिया गया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है दोस्तों, जो आपके डल लेक है ना। ठीक है, जो आपके डल लेक है उसी के बिल्कुल पास में है। 10-20 रुपए का टिकट है, बढ़िया, खुद गाड़ी लेके जाओ, घूम के आओ। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों अभी 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना है। 28 यहाँ पे, ठीक है, छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट जो है हमको देखने को मिलते हैं। और चंद्रा मुर्मू जी अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, जस्टिस यहाँ पे कौन है? गीता मित्तल जी है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो ये देखिए डाचिगम नेशनल पार्क दोस्तों। ओके, साथ में ये भारत के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि देश का सबसे लार्जेस्ट है दोस्तों, उसके बाद में किश्तवाड़ हो गया, साथ में अभी मैंने आपको डाचिगम बताया। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ग्रेट हिमालयन, वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट, ये सारे दोस्तों जो भी मार्क करे हुए सारे बड़े महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण सेशन। अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप 30+ गवर्नमेंट जॉब में से किसी की भी तैयारी कर सकते हो, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, चाहे इंडिया में कोई सा भी एग्जाम हो, भुवनेश 10 है जो कि आप लगा सकते हैं दोस्तों। 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी। SSC की बात करें दोस्तों तो मेरा यहाँ पे 40 स्टैटिक GK का कोर्स चल रहा है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS की कंप्लीट क्लासेस, सभी एजुकेटर की, अंकेश सर सबकी क्लासेस आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार से बैंकिंग में RBI और SBI की भी मिल जाएगी, और रेलवे में भी सबकी क्लासेस आपको मिल जाएगी। करना क्या, अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, ओपन करो, फिर आपको अपना यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है। जो भी आपका गोल है दोस्तों उसके अंदर आप भुवनेश 10 रेफरल कोड यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने SSC सेलेक्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पे प्लस में गए, फिर आप यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में गए, उसके बाद 6 महीने 12 महीने का ऑप्शन मिलेगा। 12 महीने का ले लिया आपने, मात्र 500 रुपये पर मंथ में आप CGL, CHSL, MTS, GD, CPO,
जेई स्टैनो, ठीक है गाइज, सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसी प्रकार से बैंकिंग में आरबीआई, एसबीआई और आपके आईबीपीएस हो गया, ओके, साथ में एलआईसी हो गया, आरआरबी हो गया, सभी एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बाद रेफरल कोड में आपको लगाना है BHU NESS BUNES10, अप्लाई कर दीजिए तो आपके जो 500 रुपए थे ना वो घट के 450 रुपए पर मंथ है जो कि हो जाएंगे। ठीक है गाइज, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे बुनेश लिखिएगा, बहुत सारे चैनल मिलेंगे, ये वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन द डे है दोस्तों, ला टोमेटिना फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? अभी इसको रद्द कर दिया गया है, बहुत ही फेमस है, मूवी भी आपने देखी होगी जिंदगी ना मिलोगी दोबारा, उसके अंदर भी बता रखा है। ठीक है गाइस, ये था महत्वपूर्ण सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और स्कूल के सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं 9 से लेकर 12 तक, BUNES10 यहाँ पे यूज करके, डिफेंस के लिए डिफेंस चैनल और डेली लाइव टेस्ट के लिए लाइव टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इतने ही दोस्तों, वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे वाली क्लास में, ज्वाइन जरूर करिएगा लाइव दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।